तो सबसे पहले हम लोगों को मिलता है इसमें वीआईपी का एक पास, वीआईपी क्लब का। अगर आप ये नया अकाउंट बनाते हैं इससे और उसमें ये डालते हैं, या फिर आपने ऑलरेडी अगर नया अकाउंट बनाया है और आपने कुछ ख़रीदा है, तो आपको 500 रुपीज़ का ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। इसको आप यूज़ कर सकते हैं कुछ ख़रीदते वक्त। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ से पहले वाटरप्रूफ कवर ख़रीदा था, मोबाइल कवर, तो अब मैंने उस 500 रुपीज़ को जो पिछली बार मुझे मिला था उसको मैंने ये ख़रीदने में यूज़ किया, और अराउंड 1300 में मुझे मिल गया ये, 1800 का था। तो अब अंदर देखते हैं इसके क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो ये, और ये कलर स्पेसिफिक है, आप जो कलर में ऑर्डर करोगे उस कलर में ये आता है। मेरी बाइक ब्लू कलर की थी तो मैंने ये ब्लू कलर में ऑर्डर किया था, तो काफ़ी मज़बूत है, पकड़ने में तो काफ़ी अच्छा है, आई होप टूट ना जाए, क्योंकि मेरा पुराना वाला जो था वो 400 रुपये वाला था, वो टूट गया, क्योंकि CBR के सस्पेंशन अच्छे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा शेक होता है हैंडल, उसकी वजह से वो वीक होकर टूट गया। सो ये पहला पार्ट जो इसके साथ आता है, इसको साइड में रखते हैं। और अब ये इसके साथ मिलता है 3M टेप है इसमें, तो रबराइज है, इसको खोल कर देखते हैं अंदर क्या है। ये ऐसे दो है इसमें, तो ये जो पार्ट है ये हैंडल पे ऐसे लगेगा ऐसे, और अगर आपका हैंडल अगर छोटा है तो आपको वो 3M टेप यूज़ करना है रबर वाला, वो उसके अंदर लगेगा, उससे वो जो गैप होगा हैंडल के और इसके बीच में वो सही हो जाएगा इससे। और ये है वो रबर टेप जिस पे वो पकड़ता है अच्छे से, और ये है बॉल जिस पे इसका होल्डर लगेगा, काफ़ी छोटा है साइज़ में, आई होप ये मज़बूत हो। ये एल्यूमिनियम का, इनका काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये एल्यूमिनियम का पार्ट है, और इसके अंदर ऑलरेडी एक लगा हुआ है, ये शायद 22 mm का होगा, और इसके जो साथ मिला है और एक, हाँ ये साइज़ में बड़ा है, तो भी अभी साइड में रख देते हैं। अब आता है इसके साथ मिला है एलन की, इसको टाइट लूज करने के लिए एक ही नट है इस पर, इसको भी साइड में रख देते हैं। और अब आता है मेन अपना चार्जिंग यूनिट और मोबाइल होल्डर। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये इसको घुमाने से इसे खुलने लगता है, फ़ोन को अच्छे से पकड़ेगा दोनों साइड से, गिरने का कोई टेंशन नहीं। और ये क्वालकॉम 3.0 है, इसकी चार्जिंग स्पीड भी हम लोग चेक करेंगे बाद में जब इसको हम लोग बैटरी पे लगाएंगे बाइक के। और ये वो पार्ट है जिसमें इसका बॉल लगता है, तो इसको लगाने के लिए पहले इसको लूज़ करना होगा पूरा, निकाल देते हैं, ये इसके अंदर जाएगा, ओके घुस गया, ये तो ऑलरेडी काफ़ी टाइट है, बट ऑल राइट। तो अब इसको लगाने के लिए पहले ये वाला जो इसका गोल गोल पार्ट है, इसको ये इसके अंदर डाल देते हैं, और फिर इसको इसके अंदर थोड़ा प्रेशर लगेगा इसको लगाने के लिए, लग गया, और अब बस इसको टाइट कर देना है। ये नया नया है इसलिए भी थोड़ा कड़क है, हार्ड क्वालिटी का है, एक बार जब ये ओल्ड हो जाएगा थोड़ा तो ये लूज़ हो जाएगा, और इसको आप फिर स्क्रू से अच्छे से टाइट कर सकते हो। थंब स्क्रू जो इसके साथ मिलता है, काफ़ी काफ़ी टाइट है, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब देखते हैं वायर जो इसके साथ आती है, ये वायर भी पावर के हिसाब से ठीक है, 3.0 चार्जिंग स्पीड के हिसाब से, और इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हो एक बिल्ट इन फ्यूज़ है, तो अगर आपका फ्यूज़ अगर कभी उड़ जाता है तो आप ये एक्स्ट्रा फ्यूज़ यूज़ कर सकते हो, इसमें इसी में लगेगा ये, और साथ में जिप टाइज आता। सो मेरे पास यहाँ पे 5.5 इंच का स्क्रीन है फ़ोन का, और ये स्क्रीन ही 5.5 इंच का है, इसका एक्चुअल में बेजल्स भी और बड़े हैं, तो एक फ़ोन है काफ़ी है, रेडमी नोट 4। सो इसको देखते हैं इसमें लगता है कि नहीं आराम से, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा इसे, तो जैसा कि आप देख सकते हो आराम से लग रहा है इसमें। और जो पावर बटन है, पावर और वॉल्यूम बटन, वो भी आराम से है इस पर, कोई टेंशन नहीं दबने का, यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ पे वॉल्यूम है, आराम से इस पर नीचे से पकड़ा रहेगा इसको, इसने टाइट कर लिया, नहीं निकल रहा, मस्त एकदम हार्ड क्वालिटी, मस्त इसको ऐसा लगा कर लैंडस्केप में हम लोग
मैप्स यूज़ कर सकते हैं, कैमरा भी आराम से यूज़ कर सकते हैं इस पर। तो इन लोगों को इनके प्रोडक्ट पे काफ़ी भरोसा है, जिसकी वजह से इन्होंने वो जो रबर बैंड जैसा आता है चारों साइड से वो पकड़ता है फ़ोन को, वो नहीं दिया है इन लोगों ने। मतलब इनको भी पता है कि ये नहीं निकलने वाला है इसमें से बाहर, और काफ़ी अच्छी है इसकी ग्रिप। मतलब इतना दम लगाने के बाद निकल रहा है उसमें से, तो काफ़ी टाइट है ये। और इसके आजू बाजू रबर के ग्रिप्स हैं जो कि फ़ोन को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं, और इसको अगर आपको टाइट करना हो तो आप एक्स्ट्रा टाइट भी कर सकते हो। एक्स्ट्रा टाइट करने के बाद तो बहुत ही मुश्किल है इसको खोलना। नहीं नहीं निकलेगा ये बिल्कुल भी, आप एकदम ब्लाइंड फेथ कर सकते हो इस प्रोडक्ट पे। राइट, सो बॉक्स के अंदर टोटल इतने सामान आते हैं, एक इसका कार्ड VIP रजिस्ट्रेशन का, दो जिप टाइज, मिरर अगर आपके पास स्कूटी है तो ये मिरर पे लगते हैं, या फिर अगर आपके पास CBR है या कोई क्लिप ऑन हैंडल बार है जिस पे स्पेस नहीं होता इसको लगाने का, तो आप मिरर पे इसको लगा सकते हैं, मिरर पे या फिर क्लच लीवर का जो स्क्रू होता है उस पे। और फिर ये शॉर्ट हैंडल बार के लिए एडाप्टर, ये एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ इन केस अगर फ्यूज़ उड़ गया, और ये रबर का टेप है 3M का जिसको आपको इसके अंदर लगाना होगा एडाप्टर के अंदर। ये आता है मोबाइल का खुद का चार्जर जिसमें होल्डर भी है, सो बिल्ट इन है। और एक ख़ास बात इसकी, ये जो बटन है ये वाटरप्रूफ है, तो इसको आप ख़राब वेदर में भी यूज़ कर सकते हो रेनी सीज़न में। काफ़ी अजीब बटन है वो, लेकिन अब वाटरप्रूफ है सो कांट कंप्लेन अबाउट दैट। ये इसका वाटरप्रूफ USB 3.0 पोर्ट है इसका, ये क्विक चार्ज करता है ये। इसका चार्जिंग स्पीड का टेस्ट हम लोग करेंगे बाद में जब इसको बाइक पे लगा लेंगे। और ये इसके साथ मिलता है एलन की टाइट करने के लिए। या दैट्स इट, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको अब लगाएंगे बाइक पर और इसकी थोड़ी टेस्टिंग करेंगे कैसा है इसका क्वालिटी वगैरह और चार्जिंग स्पीड्स कितनी है। तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करो, अगर ऐसा और कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।